मेरा नाम नवीन बख्श, एक इंफॉर्मेशन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायोड के बारे में कि डायोड का वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है और ये एसी करंट को डीसी करंट में कैसे कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करते हैं कि डायोड देखने में कैसा लगता है, तो डायोड के बारे में बता रहा हूँ कि ये हमारे पास कुछ कॉम्पोनेंट हैं जो डायोड हैं, जिसका यूज हम रेक्टिफिकेशन पर्पज़ से यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं काम करता कैसे और इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है। तो यदि हम बात करते हैं कि ये डायोड है जिसका ई वाला पॉइंट एनोड होता है, जबकि एक पॉइंट ये हमारा कैथोड होता है। अगर सिंबॉलिक बात किया जाए तो सिंबॉलिक यूज इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। इसमें भी हम बात करते हैं तो इसमें भी एक तरफ मार्किंग किया हुआ है, जिधर मॉर्किंग किया हुआ है वो हमारा एनोड ए एनोड होता है, जबकि जब मार्किंग किया हुआ वो कैथोड होता है। आप बिल्कुल ध्यान से इसको देख सकते हैं, बिल्कुल हर डायोड में आपको मार्किंग नजर आएगा। हर एक डायोड में आपको एक और मार्किंग, इसमें भी एक और मार्किंग आपको नजर आएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि काम कैसे करता है या एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो मैं यदि रिपेयरिंग के लेवल पे बात करूँ एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका हम मेन काम क्या देखते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एसी में डीसी को कैसे कन्वर्ट, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, यदि हमारे पास एक एसी सॉकेट, ओके, और एसी सॉकेट में जब हमारे पास एक स्विच मैं यहाँ पर लगाया, तो एक और लैब और दूसरा और न्यूट्रल, इसकी कनेक्टिविटी में कुछ इस करंट को, ये हमारा एसी पॉइंट है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पर एक डायोड को कुछ इस तरह से जोड़ देता हूँ, को यहाँ पर ऐसे जोड़ देता हूँ, जबकि एक डायोड को जस्ट उल्टा कुछ इस तरह से जोड़ता हूँ। यानी इसका एनोड यहाँ पर कैथोड और ये हमारा कैथोड यहाँ पे एनोड है। डायोड का मोड ए मोड पॉजिटिव, ए बी पिन पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। इसका ये पॉइंट पॉजिटिव, ए पिन नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव और ए पिन पॉजिटिव। अब इसमें देखिए काम कैसे करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। तो एसी में डीसी कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो डायोड का पिन है, यानी कि ये डुअल पिन जो डायोड है, इसके पास जब भी यहाँ पर पल्स आती है तो कुछ इस तरह से प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस कुछ इस तरह से। तो ये जो डायोड है, तो डायोड अपना क्या करता है कि जो जो टर्मिनल होता है वो आप उसी पल्स को केवल पास होने के लिए देता है। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो करेंट को केवल एक ही डायरेक्शन में पास करवाता है। तो एक डायरेक्शन में पास करवाने का मतलब कि यहाँ पर यदि ये पॉजिटिव है तो इस क्या करेगा कि केवल और केवल पॉजिटिव पल्स को केवल पास करने देगा, नेगेटिव पल्स को पास होने नहीं देता है। और यहाँ पर हम बात करें कि ये डायोड का मूव नेगेटिव है, तो केवल और केवल ये नेगेटिव पल्स को ही पास करने देता है, पॉजिटिव पल्स को पास करने नहीं देता है। लेकिन यही चीज़ अगेन मैं करता हूँ कि यदि हमारे पास एक बैटरी है प्लस माइनस, और इसकी कनेक्टिविटी मैं किसी लोड से दे दिया, मैं इसकी कनेक्टिविटी यदि मैं किसी लोड से दे दिया, और यहाँ पर यदि मैं किसी डायोड को रिवर्स बायस में लगाता हूँ कुछ इस तरह से ए माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा एक टर्मिनल प्लस एक सप्लाई प्लस आ रही है, जबकि डायोड का टर्मिनल ए लाइट हमारा ग्लो नहीं करता है। लेकिन जस्ट अपोजिट यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये डायोड हमारा प्लस माइनस, एक बैटरी ले लिया मैं, बैटरी लेने के बाद अगेन मैं इसके एक लोड देता हूँ, और लोड देने के बाद यहाँ पे एक डायोड यदि फॉरवर्ड बायस में लगाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये हमारा डायोड का वो प्लस माइनस ये सप्लाई पास कर देगा और लाइट ये ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। यदि ये हमारा करेंट पास करता है तो इसका ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है, जबकि यदि ये करंट को पास नहीं कर सका तो इसका ये रिवर्स बायस कहलाता है। और इसी फंक्शन से क्या करता है कि हमारा किसी भी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन यदि इसके हम टेस्टिंग का बात करें, यहाँ पर एक बात तो प्रूफ हो रहा है कि करंट को क्या करता है, केवल वन डायरेक्शन में, यदि मैं इधर से पॉजिटिव दे रहा हूँ तो सप्लाई आउट होने नहीं दे रहा है, लेकिन जस्ट मैं डायोड को उल्टा कर रहा हूँ तो सप्लाई को क्या कर रहा है, पास होने दे दे रहा है। इससे प्रूफ होता है कि हमारा क्या होता है, केवल और केवल करंट को वन डायरेक्शन में पास होता है। और किसी भी डीसी करंट में दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जबकि एसी करंट में लाइव और न्यूट्रल होता है।
तो यहाँ पर जब ये लाइव और न्यूट्रल को पॉजिटिव और निगेटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो यही तो हमारा डीसी करंट है, भले अभी प्योर ना हो। तो इसको प्योर करने के लिए आगे हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एसी से डीसी में तो कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद यदि मैं यहाँ पर इस चीज़ को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को चेक करना चाहता हूँ, तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर का भी हेल्प लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको चेक कैसे किया जाएगा और इसकी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे काम करती है। ये मल्टीमीटर हुआ, मैं इसे कंटिन्यूटी रेंज पे या डायोड रेंज पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद एक इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल कंटिन्यूटी सही है इसकी। और ये हुआ डायोड। तो मैंने बताया क्या था कि डायोड के पॉजिटिव से हमेशा कुछ इस तरह से कि यदि मैं यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे रहा था बैटरी का, तो इधर से आउटपुट हो रहा था, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे रहा था तो इधर से कोई आउटपुट नहीं हो रहा था। इसका मतलब कि जब मल्टीमीटर से मैं चेक करूँगा तो इसकी टेस्टिंग हमेशा होती है वन साइड वैल्यू। और इसका रीज़न ये कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में काम करता है कि यदि मैं इस पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पर दूँ और नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आउट टच करे, तो इसकी इंपीडेंस वैल्यू शो कर रही है, वहाँ रीडिंग मल्टीमीटर में दे रहा है। तो ये रीडिंग देने का मतलब कि ये करंट हमारा पास हो रहा है फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन जस्ट मैं प्रोब को इंटरचेंज करूँ तो इंटरचेंज करने से कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर में नहीं है। तो यहाँ पर तो दो बातें यहाँ आ रही है। पहली बात कि ये डायोड हमारा ओके, क्योंकि वन साइड वैल्यू दे रहा है, और जब भी वैल्यू दे रहा है तो एनोड से कैथोड की ओर दे रही है। ओके, तो ये हमारा डायोड ओके है, जबकि कैथोड से एनोड की ओर कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके साथ साथ दूसरे डायोड की टेस्टिंग में भी मैं देखूँ तो टेस्टिंग में भी यहाँ पर एनोड से कैथोड की ओर यहाँ पर वैल्यू शो करता है, जबकि कैथोड से एनोड की ओर कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है। तो ये भी डायोड हमारा ओके हुआ। और अगर हम बात करें इसी तरह कि ये हमारा डायोड का एनोड ही कैथोड, इस पर जब भी मैं पॉजिटिव दूंगा तभी यह सप्लाई क्या होगा, आगे फ्लो कर रहा है, इसकी रीडिंग शो कर रही है। और इसके अपोजिट मैं यहाँ भी चेक कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। अगेन ये सब डायोड में भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है, डायोड में भी इसी तरह का पूरा प्रोसेस होता है। यानी ये प्रोसेस से हम क्या है, दो बात सीखे। पहला सीखे कि यह किसी भी एसी करंट को डीसी करंट में कैसे कन्वर्ट कर देता है, प्लस इसकी टेस्टिंग क्या है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब कि यदि ये डायोड मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखने के बाद वन साइड वैल्यू शो करता है तो ओके है, अदरवाइज फॉल्टी। और वो भी वन साइड का मतलब कि इसमें हमेशा वैल्यू यहाँ पे कि एनोड पर रेड प्रो जबकि कैथोड पर ब्लैक प्रो होगा तो ही वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों साइड से वैल्यू आती है तो डायोड हमारा फॉल्टी है, या कंटिन्यूटी बीप वगैरह आना शुरू हो जाता है तो ये डायोड हमारा फॉल्टी कहलाता है। तो इस तरह तो डायोड की फुली टेस्टिंग जान गया। यदि आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे या आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि और भी कोई कंपोनेंट या हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उसके बारे में लिखें, हम उससे रिलेटेड ताज़ा वीडियो को देते रहेंगे। और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।